नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण संशोधन के बारे में पूर्ण विवरण परीक्षा की दृष्टि से बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को प्रारंभ करते हैं। 1950 में संविधान की स्थापना के बाद से अब तक कुल 104 संशोधन हो चुके हैं। आज हम इन्हीं संशोधन के बारे में बात करेंगे, लेकिन हम केवल महत्वपूर्ण संशोधन जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं उन पर बात करेंगे। पहला संशोधन अधिनियम 1951, जिसमें संविधान के मौलिक अधिकारों के प्रावधानों में बदलाव किया गया था। दूसरा संशोधन अधिनियम 1952, जिसमें एक सदस्य को लोकसभा के लिए चुने जाने के लिए 7.5 लाख की निर्धारित सीमा को हटाने के लिए संशोधित अनुच्छेद 81 लाया गया था, जिसमें कि अनुच्छेद 81 में संशोधन किया गया था। तीसरा संशोधन अधिनियम 1954, जिसमें 7वीं अनुसूची में 3 विधान सूचियों में परिवर्तन और समवर्ती सूची में प्रविष्टि 33 को एक नए द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था। चौथा संशोधन अधिनियम 1955, जिसमें अनुच्छेद 31 और 31 ए में संशोधन किया गया था, जो कि संपत्ति के अधिकार से संबंधित है। पांचवा संशोधन अधिनियम 1955, जिसमें अनुच्छेद 3 में संशोधन किया गया था। सातवां संशोधन अधिनियम 1956, यह संशोधन राज्य पुनर्गठन अधिनियम को लागू करने के लिए बनाया गया था। नवा संशोधन अधिनियम 1960, इसने भारत और पाकिस्तान के बीच एक समझौते के तहत भारत के कुछ क्षेत्रों को पाकिस्तान को हस्तांतरित करने का प्रावधान किया था। दसवां संशोधन अधिनियम 1961, जिसमें भारत के संघ के साथ मुक्त दादर और नगर हवेली के क्षेत्रों को एकीकृत किया गया था। ग्यारहवां संशोधन अधिनियम 1962, निर्वाचक मंडल द्वारा उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा होता है, बजाय संसद के संयुक्त बैठक द्वारा चुनाव के। बारहवां संशोधन अधिनियम 1962, जिसमें गोवा, दमन और दीव के क्षेत्रों को भारतीय संघ में शामिल किया गया था। तेरहवां संशोधन अधिनियम 1962, जिसमें नागालैंड को भारत संघ के राज्य के रूप में बनाया गया था। पंद्रहवां संशोधन अधिनियम 1963, जिसमें उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 से बढ़ाकर 62 और अन्य छोटे संशोधन किए गए थे। 21वां संशोधन अधिनियम 1967, जिसमें 8वीं अनुसूची में सिंधी 15वीं क्षेत्रीय भाषा के रूप में शामिल हुई थी। 26वां संशोधन अधिनियम 1971, जिसमें रियासतों के पूर्व शासकों की उपाधियों और विशेषाधिकारों को समाप्त किया गया था। 31वां संशोधन अधिनियम 1973, जिसमें लोकसभा की वैकल्पिक शक्ति को 525 सीट से बढ़ाकर 545 कर दिया गया था, जो कि वर्तमान में 552 है। 36वां संशोधन अधिनियम 1975, जिसमें सिक्किम को भारतीय संघ का राज्य बनाया गया था। 38वां संशोधन अधिनियम 1975, जिसमें राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। 42वां संशोधन अधिनियम 1976, जिसमें संसद के लिए सर्वोच्चता और मौलिक अधिकारों के लिए निर्देशक सिद्धांतों को प्रधानता दी थी। इसने संविधान में 10 मौलिक कर्तव्यों को भी जोड़ा। संविधान की प्रस्तावना से सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक को बदलकर सॉवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक किया गया, जिससे कि राष्ट्र की एकता को बढ़ाना था। 44वां संशोधन अधिनियम 1978, जिसमें लोकसभा और विधानसभाओं की सामान्य अवधि को 5 साल के लिए बहाल किया, साथ ही संपत्ति का अधिकार भाग 3 से हटा दिया गया। 45वां संशोधन अधिनियम 1980, जिसमें 10 वर्ष के लिए 1990 तक SC/ST आरक्षण का विस्तार किया गया था। 52वां संशोधन अधिनियम 1985, जिसमें दल बदल के आधार पर
अयोग्यता के प्रावधानों के संबंध में संविधान में 10वीं अनुसूची सम्मिलित की गई। 56वां संशोधन अधिनियम 1987 जिसमें भारत के संविधान के हिंद संस्करण को उन सभी उद्देश्यों के लिए स्वीकार किया गया था जो गोवा के लिए गोवा के केंद्र शासित प्रदेश में दिए गए थे। 61वां संशोधन अधिनियम 1989 जिसमें लोकसभा और विधानसभाओं के लिए मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया था। 73वां संशोधन 1993 जिसमें नगरपालिका बिल 1992 पंचायत बिल शामिल था। गांवों में ग्राम सभा गांव और अन्य स्तरों पर पंचायतों का गठन पंचायतों की सभी सीटों पर सीधा चुनाव और एससी और एसटी के लिए सीटों का आरक्षण और पंचायतों के लिए 5 साल का कार्यकाल तय किया गया था। 74वां संशोधन 1993 नगरपालिका बिल जिसमें एससी एसटी महिलाओं और ओबीसी के लिए 3 प्रकार की नगरपालिकाओं के संविधान और हर नगरपालिका में सीटों का आरक्षण किया गया था। 86वां संशोधन अधिनियम 2002 जिसमें अनुच्छेद 21 के बाद नए अनुच्छेद 21 ए के सम्मिलित से संबंधित है जिसमें नया अनुच्छेद 21 ए शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। 90वां संशोधन अधिनियम जिसमें अनुच्छेद 338 का संशोधन किया गया मतलब एससी एसटी एक्ट में। 91वां संशोधन अधिनियम 2003 जिसमें अनुच्छेद 75 का संशोधन किया गया था। 92वां संशोधन अधिनियम 2004 जिसमें आधिकारिक भाषाओं के रूप में बोडो डोगरी संताली और मैथिली शामिल हुआ था। 93वां संशोधन अधिनियम 2006 जिसमें सरकार के साथ साथ निजी शिक्षण संस्थानों में अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के लिए आरक्षण 27% किया गया था। 99वां संशोधन अधिनियम 2015 जिसमें एक राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का गठन किया गया। 100वां संशोधन अधिनियम 2015 जिसमें भारत और बांग्लादेश के बीच के भूमि संबंधी समझौते से संबंधित था। 101वां संशोधन अधिनियम 2017 जो कि वस्तु और सेवा कर लागू से था। 103वां संशोधन अधिनियम 2019 केंद्र सरकार द्वारा संचालित शिक्षण संस्थानों और निजी शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के लिए समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10% आरक्षण लागू किया गया था। संविधान 104वां संशोधन अधिनियम 2020 जिसने लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में एससी और एसटी के लिए सीटों का आरक्षण अगले 10 साल के लिए बढ़ाया है। धन्यवाद दोस्तों, आज हमने इस वीडियो के माध्यम से संविधान के महत्वपूर्ण संशोधनों पर चर्चा की है जो कि परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।